शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस का आरोप पत्र, 388 बिंदुओं वाला आरोप पत्र शिवराज सरकार के खिलाफ। कांग्रेस का दावा, भाजपा सरकार में घोटालों की लंबी लिस्ट। इसी साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, जिसके चलते प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियां अपने को श्रेष्ठ साबित करने में लगी हुई हैं। वहीं कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करने की पूरी तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरोप पत्र को 3 चरणों में तैयार किया है। 3 चरणों में बनकर तैयार आरोप पत्र को बुक, पैम्पलेट और पोस्टर्स के जरिए आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। आरोप पत्र के पहले चरण में फाइनेंशियल करप्शन, दूसरे चरण में कुशासन, तीसरे और आखिरी चरण में कुप्रबंधन को शामिल किया गया है। वहीं आरोप पत्र के माध्यम से पंचायत से मंत्रालय तक हुए घोटालों को दर्शाया जाएगा। पहला चरण 168 बिंदु, दूसरा चरण 124 बिंदु, तीसरा चरण 96 बिंदु। आरोप पत्र के पहले चरण में 168 बिंदु है, दूसरे चरण में 124 और तीसरे चरण में 96। इसी तरह कुल 388 बिंदुओं को शामिल किया गया है। पहला चरण आर्थिक घोटाला, दूसरा चरण कुशासन, तीसरा चरण कुप्रबंधन। आर्थिक घोटाले में 168 बिंदु शामिल किए गए हैं, जिनमें पोषण आहार, मध्यान्ह भोजन, टोल रोड, अवैध खनन, सीवरेज, स्मार्ट सिटी, छात्रवृत्ति, एलईडी लाइट, व्यापम, नर्सिंग कॉलेज, डीमेट, निजी मेडिकल कॉलेज में फीस वृद्धि, आवास योजना शहरी और ग्रामीण, मनरेगा, कन्यादान, आबकारी, कर अपवंचन, कोरोना में निजी चिकित्सालय को भुगतान, राशन, सर्व शिक्षा अभियान, ई टेंडर, आयुष्मान, माध्यम, आरजीपीवी, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय आदि इसमें शामिल हैं। कुशासन, इसमें 124 पॉइंट शामिल किए गए हैं। महिला बलात्कार, किशोर बालिका बलात्कार, शिशु मृत्यु दर, गर्भवती महिला मृत्यु दर, इंजीनियरिंग शिक्षा का गिरता स्तर, प्राथमिक शिक्षा में प्रतिवर्ष 4 से 5 लाख नामांकन कम होना, बेरोजगारी, महंगाई, अनुसूचित जाति जनजाति पर बढ़ते अपराध, सड़क हादसों में वृद्धि, खेतिहर मजदूर को देश में न्यूनतम मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरों में आत्महत्या, महिला अपहरण, प्रति व्यक्ति आय, कुपोषण आदि पॉइंट्स इसमें रखे गए हैं। तीसरा चरण कुप्रबंधन, इसमें 96 पॉइंट्स हैं। बढ़ता कर्ज, बजट प्रावधान, वास्तविक व्यय में जमीन आसमान का अंतर, अनुसूचित जाति तथा जनजाति उपयोजना के राशि का सही उपयोग न होना, थानों में समय पर FIR न करना, जेलों में संख्या से 2 गुना कैदी, निजी विद्यालयों में भारी फीस, PSC की नियुक्ति 2019 से न होना, व्यापम की भारी फीस, निजी चिकित्सालय में भारी शुल्क, गरीबी रेखा के कूपन न बनना, वनाधिकार के पट्टे न देना, सालों से निर्वासित गरीबों को पट्टे न देना, नदियों का पानी प्रदूषित होना, प्रदेश में कई शहरों में जहरीला कचरा, भूमिगत जल स्तर खतरनाक घटना, 57% जनता को शुद्ध पेयजल न मिलना, शासकीय विद्यालयों का निम्न स्तर आदि। कांग्रेस का शिवराज के खिलाफ आरोप पत्र लगभग 6 महीने के बाद बनकर तैयार हो गया है। भाजपा सरकार के द्वारा शासनकाल में किए गए सभी कथित गड़बड़ घोटाले इस पत्र के माध्यम से जनता के सामने PCC चीफ कमलनाथ लाना चाहते हैं। वहीं आरोप पत्र पर किताब भी 1 महीने में छाप दी जाएगी।